तो हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। मैंने पहले ही बताया था आपको, आज मैं बताऊंगा आपको नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? तो नेचुरल मींस जो गॉड गिफ्टेड हो, यानी जो बना बनाया हो, जो हमें भगवान से मिला हो, जिसे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही वो बना बनाया है। और इन्वायरमेंट मींस सराउंडिंग्स, मतलब हमारे चारों ओर की वातावरण, हमारे चारों ओर जो भी है वो सारा हमारा इन्वायरमेंट में ही आता है। तो जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो जो नेचुरली तौर पे बना है, मेनली नेचुरल इन्वायरमेंट के मेनली दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट जिसमें कि लैंड, वाटर, एयर आ जाता है। दूसरा कंपोनेंट में प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन आता है। तो पहले कंपोनेंट्स में जो मैंने आपको बताया, लैंड, वाटर एंड एयर, तो उसमें क्या होता है, लैंड को हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, वाटर को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं और एयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो हम बारी बारी से इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको हम अभी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि बारी बारी से ये तीनों चीज़ है क्या। तो जो सबसे पहला हमारा है वो है हमारा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब इस पृथ्वी का सबसे ऊपरा वाला भाग, सबसे मजबूत भाग, जिसका कोई एक आकार नहीं है। कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर समतल भूमि, तो कहीं नदी बहती है, पर हम यहाँ खनिज पदार्थ ले सकते हैं, यहाँ खोज सकते हैं, क्योंकि जो भी मिनरल्स वगैरह मिलते हैं वो सारा लिथोस्फीयर में ही मिलते हैं, यानी कि लैंड में ही मिलते हैं। तो लैंड के बारे में हमने जान लिया कि वो जो है सबसे ऊपरी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारा अर्थ का सबसे ऊपरी लेयर है, सबसे मजबूत लेयर है, और वहाँ उसका कोई एक साइप शेप नहीं है, क्योंकि कहीं पे बाहर है तो कहीं पर नदी है, कहीं प्लेन्स है, आप देख ही रहे हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं अगला आगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी, जिससे हमारा जीवन का मूल अस्तित्व जुड़ा हुआ है। जितना भी नदी, समुद्र और जो भी जल वाला क्षेत्र है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। मतलब पानी का आप समझ लीजिए कि पानी हमारे लिए सबसे मूल्यवान है, उससे मूल्यवान हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है। तो चलिए हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम जान लिया, मतलब वाटर के बारे में हमने जान लिया। आप जानते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर यानी हवा, जिसके बिना हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हम। बिल्कुल, हवा के बिना तो हम कल्पना कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक सेकेंड यदि हम सांस नहीं लेंगे तो हमारा मर नहीं जाएंगे हम एक सेकेंड में। लेकिन हम यदि ये कहें कि हम बिना हवा के अपने जीवन का कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा देर तक हम बिना हवा की नहीं रह सकते, बिना पानी का रह सकते, बिना खाना का रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा की नहीं रह सकते। तो हवा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एटमॉस्फेयर में यही हमारा जो हवा है वो है, और जो आपको पता है कि हमारा जो हवा है उसमें बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, मतलब बहुत सारे गैसेस उसमें मिले हुए हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैसेस हैं। तो हमने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में भी बता ही दिया कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो हमने आपको लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर के बारे में तो बताया, एटमॉस्फेयर के बारे में बताया, पर अब बताते हैं आपको उनके बारे में जो कि जहाँ पे हम हैं, मतलब बायोस्फीयर। जी हाँ, सही सुना आपने, बायोस्फीयर। मतलब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर को तीनों का मिलन होता है तो बनता है बायोस्फीयर। जहाँ पे बायोस्फेयर का मतलब ये होता है कि वो जगह जहाँ पे पानी भी हो, लैंड भी हो और हवा भी हो, मतलब एटमॉस्फेयर भी हो, उस जगह को हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। तो इस सब के बाद चीज़ों के बारे में आपको बताया मैंने, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप फटाफट से लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी जो मैंने आपको बताया उसमें आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस एक ही चीज़ ध्यान में रखिए, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जैसे मैंने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में बताया, तो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एयर, लिथोस्फेयर का मतलब होता है लैंड और हाइड्रोस्फेयर का मतलब होता है वाटर। तो ये जो है वाटर और हाइड्रोस्फेयर एक ही है, लैंड और लिथोस्फेयर एक ही है। तो ये सारे जो हम बताया उसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि लिथोस्फेयर क्या है, लैंड क्या है, ये दोनों एक ही है, बस इसका नाम जो है दो दे दिया गया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगला वीडियो देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आप देख पाएँ। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।